असलकम स्टूडेंट्स पिछले मॉड्यूल्स में हमने मोटिवेशन पर इन टर्म्स ऑफ पुल एंड पुश फैक्टर्स बात की इस सेशन और इससे अगले कुछ सेशंस में हम मोटिवेशन को इन टर्म्स ऑफ पर्सनल या माइक्रो लेवल डिसट्सफैक्शन और ब्रॉडर या मैक्रो लेवल डिसट्सफेक्शन डिस्कस करेंगे कि किस तरह इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स माइक्रो लेवल पे पर्सनल लेवल पे डिसटिस्फाइड फील करते हैं और ये डिसट्सफैक्शन उनको मोटिवेट करती है कि वो अपना सोशल एंटरप्राइज शुरू करें डिसटिस्फैक्शन जो है उसको एक इम्पोर्टेंट डिटरमिनेंट माना जाता है इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन कि अगर कोई शख्स किसी चीज़ से डिसट्सफाइड होता है किसी सिचुएशन से या किसी फिनमना से तो वो उसके अगेंस्ट कुछ करने के लिए मोटिवेटेड फील करता है सोशल एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से जो पर्सनल लेवल पर डिसट्सफैक्शन है वो कई शक्लों में हो सकती है सबसे इम्पोर्टेंट उसमें और सबसे कॉमन फॉर्म जो है उसको हम बोर्डम कहते हैं बोर हो जाना ये वो सिचुएशन है ये वो डिसटिस्फैक्शन है जब एंटरप्रेन्योर्स अपनी प्रेजेंट सिचुएशन अपने मौजूदा काम से बोर्ड फील करते हैं उनको लगता है कि ये रेपटेटिव है रोज़ सुबह उठ के वो उसी रूटीन को दोहराते हैं सारा दिन वही काम करते हैं उन्हें ऐसे लगता है जैसे वो दायरों में सफ़र कर रहे हों शुरू किया एक सिरे से फिर वहीं पहुंच गए फिर शुरू किया फिर वहीं पहुंच गए डे इन डे आउट वही काम जो है वो रोज़ के रोज़ कर रहे हैं उसमें कुछ नया नहीं है उसमें कुछ फ़र्क नहीं है उसमें कोई चैलेंज नहीं है उसमें कोई थ्रिल नहीं है तो सोशल एंटरप्रेन्योरियल जो लोग होते हैं जिनकी तबीयत जिनकी करेक्ट्रिस्टिक्स जो हैं एंटरप्रेन्योरियल होते हैं वो इस रेपटेटिव रूटीन और जो मूविंग इन द सर्कल्स है उससे उकता जाते हैं बोर हो जाते हैं और ये बोर्डम उन्हें मोटिवेट करती है कि वो कुछ डिफरेंट करें कुछ नया करें खास तौर पर कुछ ऐसा जिससे कोई फ़र्क पड़े माशरे में उनकी जिंदगी में दूसरे लोगों की जिंदगी में तो ये जो इंतहाई पर्सनल एक बोर्डम की कैफियत है ये उन्हें मोटिवेट करती है कि वो एक नया काम करें एक नया सोशल एंटरप्राइज़ जो है उसको इस्टेब्लिश करें एक और डिसटिस्फेक्शन का सोर्स जो है वो सोशल एंटरप्रेन्योर्स में अमूमन प्रॉब्लम्स विद हायर आर्की होती हैं दुनिया भर में जितने भी एगेलिटेरियन माशरे हो जाएं हमारा तो खैर है ही बहुत हायर जिसमें बड़ा छोटा बॉस सीनियर जूनियर इस किस्म की तकसीम आम है तो ये जो हायर आर्की है ख़ास तौर पर बिज़नेसेस में फॉर्म्स में एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में सोशल एंटरप्रेन्योरियल लोगों को ये तंग करती है ये डिस्टर्ब करती है ऐसे डिसीजंस मानने जिनमें कोई रोल ना हो मेरे से मुतल एक फैसला है उसमें मेरी कोई से नहीं है रूल्स के मुताबिक बॉस ने डिसाइड कर दिया मुझे उस पे अमल करना है या जो एक रूटीन प्रोसीजर्स होते हैं कि ऐसे ही तरीके कार है का कोई 130 सौ तीस आई क्यू का आदमी हो का कोई 100 आई क्यू का आदमी हो कोई दिन से शाम तक मेहनत करता हो कोई रोज़ी रोटी कमा रहा हो या सिर्फ तनख्वाह हलाल कर रहा हो हर दो सूरतों में वही तरीके कार है वही रूल्स एंड रेगोलेशन हैं वही हायरार है बॉसेस जो हैं वो ऑल एंड ऑल हैं तो ये चीज़ जो है वो सोशल एंटरप्रेन्योर्स को तंग करती है और उन्हें मोटिवेट करती है कि वो कुछ ऐसा करें जिसमें वो खुद बॉस हों जिसमें वो अपने डिसीजंस खुद कर सकें जिसमें वो चीज़ों को डिफरेंटली कर सकें जिसमें कोई ऐसी हायर आर्की ना हो जो रूटीन चाहती है बल्कि लोग जो हैं वो आइडियाज़ नए आइडियाज़ नए इनिशिएटिव्स के लिए ओपन हो, उनको वेलकम करें उनको रिस्पॉन्ड करें तो ये चीज़ उन्हें मोटिवेट करती है कि वो एक सोशल एंटरप्राइज स्टार्ट करें जिसमें वो एक्सपेरिमेंट कर सकें जिसमें वो ऐसे डिसीजंस कर सकें जो खुद उनको और लोगों की जिंदगियों को पॉजिटिवली इफेक्ट करें ज़रूरी नहीं है उनके बारे में पहले से रूल्स मौजूद हों या वो कहीं लिखे हुए हों वो नए इनोवेटिव डिसीजंस हो सकते हैं क्योंकि इनोवेटिव इज़ द की टू सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ये चीज़ सोशल एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करती है कि वो इस डिसट्सफेक्शन को एड्रेस करने के लिए कुछ नया करने के लिए हायर से जान छुड़ाने के लिए या एक ज़्यादा एगेटेरियन सिस्टम जो है वो फॉर्म्स में या ऑर्गेनाइजेशंस में इंट्रोड्यूस कराने के लिए अपनी एंटरप्राइज शुरू करें अपना इनिशिएटिव जो है वो उसको लॉन्च करें या ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको बिल्ड या फॉर्म करें इसी तरह जो लोगों को काम के हवाले से लैक ऑफ रिस्पेक्ट है जो उनकी आइडेंटिटी है जिसमें उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती उनको जस्ट लाइक एन अदर वर्कर ट्रीट किया जाता है या फेवरेटम जो है ऑर्गनइजेशंस में जहाँ पर होता है ये चीज़ सोशल एंटरप्रेन्योर्स को डिसटिस्फाई रखती है अपने काम के हवाले से उन्हें लगता है या तो उन्हें उन्हें का उनके काम का ड्यू रिटर्न नहीं मिल रहा अव्वल तो उन्हें काम करने का खुलकर मौका नहीं मिलता क्योंकि दे हैव टू कम्प्लाई विद द रूल्स एंड डिसीजनज एंड हायर तो वो जो काम करते हैं उसकी ड्यूली एक्नॉलेजमेंट नहीं होती उसकी रिकग्निशन नहीं होती उसको रिवॉर्ड नहीं किया जाता तो सोशल एंटरप्रेन्योरियल जो शख्सियत होती हैं वो डिससेटिस्फाइड फील करती हैं और वो बेहतर समझते हैं वो मोटिवेटेड फ़ील करते हैं कि वो ऐसी सिचुएशन में काम करें अपना इंटरप्राइज जो है उसको इस्टेब्लिश करें जहाँ पर उनके काम की उनकी इज्जत हो और उसको एक्नॉलेज और किया जा सके और बॉसेस जो हैं उनके फेवरेट्स को सेलिब्रेट करने की बजाय लोगों के काम उनकी परफॉर्मेंस को सेलिब्रेट किया जा सके अप्रिशिएट किया जा सके इसी तरह इनजस्टिस वो फैक्टर है जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स को इंतहाई डिसटिस्फाई करता है बल्कि एंग्री रखता है अगर आप बड़े सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो कामयाब सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी जिंदगियों पर बात करें उनसे बात करें इनजस्टिस का वो उनकी ज़ात के साथ हो क़ा वो उनके इर्द गिर्द मौजूद लोगों के साथ हो या वो मुआरे के किसी भी हिस्से में हो वो उनको तंग करता है क्योंकि दे हैव अ वेरी स्ट्रॉग बिलीव सिस्टम अराउंड वाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ जस्ट एंड व्हाट इज़ अनजस्ट वो अपने लिए रिस्पेक्ट चाहते हैं तो वो दूसरों के लिए भी रिस्पेक्ट चाहते हैं वो अपने लिए बराबरी चाहते हैं तो वो दूसरों के लिए भी बराबरी चाहते हैं ये चीज़ें सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन हो सकती हैं जब प्रोसेस ऑर्गनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स उनके काम करने का तरीक़ार ये सारी चीज़ें जो हैं वो जस्ट हों वहाँ पर इनजस्टिस ना हो वहाँ पर इक्वालिटी हो वहाँ पर फेयरनेस हो और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पर इक्विटी हो सो so, अपने काम से बोर हो जाना हायर से डिसटिस्फेक्शन काम की रिकॉगनीशन ना होना रिस्पेक्ट ना होना ये वो फैक्टर्स हैं जो पर्सनल लेवल पर माइक्रो लेवल पर इंडिविजुअल सोशल एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन या फार्म्स या इस्टबलिश ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़कर अपना एंटरप्राइज इस्टबलिश करें और ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की ज़िंदगी में भी एक पॉजिटिव चेंज ला सकें थैंक यू